आज के इस वीडियो में जानेंगे फिनो पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बीपे में यूपीआई को कैसे रजिस्टर करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिनो पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इसके बाद लॉगिन में जाएंगे और यहाँ पे एम पिन इंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे भीम यूपीआई इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ से जो है अपना सिम चूज कर लेंगे और इसके बाद सेंड एसएमएस पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे जो है एक वीपीए क्रिएट कर लेंगे, यूपीआई आईडी को क्रिएट कर लेंगे। और इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि यूपीआई पिन सेम एज योर एम पिन। अब अपना यूपीआई पिन को सेम एज रखना चाहते हैं एम पिन की तरह, तो इसको प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क को हटा देंगे और इसके बाद नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यूपीआई पिन सेट करने के लिए अपने डेबिट कार्ड के लास्ट का 6 डिजिट यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर एक्सपायरी डेट इंटर करेंगे। और इसके बाद सेट यूपीआई पिन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो है ओटीपी को ऑटो जो है डिटेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे एक यूपीआई पिन सेट कर लेंगे 4 डिजिट का कोई भी और इसको ओके करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, अगेन यूपीआई पिन को इंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। और इसके बाद गो टू होम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आपको ट्रांजेक्ट और मैनेज दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप ट्रांजेक्ट से सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, रिक्वेस्ट मनी नोटिफिकेशन, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। और यहाँ पर स्कैन एंड पे से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं और जनरेट क्यूआर कोड से आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेंड मनी को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो है आप आईएफएससी कोड के थ्रू पे करना चाह रहे हैं या फिर आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू, हम यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को इंटर कर लेंगे। और इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो है अमाउंट इंटर कर लेंगे, आपको जितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। और इसके बाद यहाँ पे रिमार्क दे देंगे, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि सेव एज बेनिफिशियरी, अगर आप इसको एज ए बेनिफिशियरी सेव करना चाह रहे हैं तो इस बॉक्स को टिक कर लेंगे या फिर आप इसको रहने देंगे। और इसके बाद नीचे ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूपीआई पिन इंटर करेंगे और इसके बाद इसको ओके करेंगे। और यहाँ पर जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट के लिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी में जाएंगे और यहाँ पे जो है आप जिससे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को इंटर करेंगे
और इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे अमाउंट इंटर करेंगे और यहाँ पे रिमार्क दे देंगे। और यहाँ पे जो है एक्सपायरी, और यहाँ पे जो है एक्सपायरी टाइम सेट करना चाहते हैं तो सेट कर लेंगे या फिर आप इसको रहने देंगे। और इसके बाद रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे दे रहा है कि योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली इनिशिएटेड। अब आपकी जो है रिक्वेस्ट जो है पेयर के पास चली गई है, जैसे वो जो है इसको अप्रूव करेगा उसके बाद पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है रिक्वेस्ट मनी नोटिफिकेशन, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अभी कोई, यहाँ पे दिया हुआ है कि करंटली नो पेंडिंग रिक्वेस्ट, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से जो है आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन किए रहेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से स्कैन एंड पे से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है जनरेट क्यूआर कोड, यहाँ से आप क्यूआर कोड एक जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैनेज में जाएंगे, मैनेज को क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैनेज VPA, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है आप UPI पिन चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डिलीट VPA, यहाँ से आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से न्यू VPA को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है मैनेज बेनिफिशरी, यहाँ से जो है आप बेनिफिशरी को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है डी रजिस्टर अकाउंट, यहाँ से आप अकाउंट को डी रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे जो है फिनो पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग में UPI का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।